अंकल ये बुक से ले लो, इसमें सारा कुछ है, ABCDEFG सारा। नहीं बेटा नहीं चाहिए। बाबू मुझे पढ़ने वाली बुक दिला दो। बेटा मैं तुझे शॉप से बुक्स दिलवा दूंगा, ये बेकार होती है बुक्स, पढ़ने लायक नहीं होता इसमें कुछ, उधर से ले लेना तू। अंकल बुक बेहतर होती है, बच्ची बोली है तो दिलवा दो ना। अच्छा अंकल मैंने भी इतने पढ़ना सीखा। अच्छा बेटा तू एक काम कर, मुझे इन किताबों में ऐसा कोई एक किताब निकाल के उसे पढ़ के सुना दे, अगर तूने पढ़ के सुना दिया ना मुझे तो उससे मैं किताब ले लूंगा। अरे पढ़ ना, देखा बेटा ये किताबें बेकार की होती हैं, जो खुद नहीं पढ़ पा रहा तो आप कैसे पढ़ पाओगी, इसीलिए मैं तुझे कह रहा हूँ मैं तुझे शॉप से दिलवा दूंगा। ये एक किताब है, ये मेरी किताब है, ये अंग्रेजी की किताब है। हर इंसान का दिल बुरा नहीं होता, हर इंसान बुरा नहीं होता, बुझ जाते हैं दिए तेल की कमी से, हर बार कसूर हवा का नहीं होता। अंकल अब ले लेना ये। चल बेटा दे दे। कितने की है बेटा ये? 40 रुपए। और बेटा ये बताओ किस क्लास में पढ़ते हो आप? अंकल मैं स्कूल नहीं जाता, जो मैं किताबें बेचने के लिए रहता हूँ ना वो उन्हीं से ही पढ़ लेता हूँ। और घर में कौन कौन रहते थे? अंकल मेरे घर में मैं हूँ, मम्मा पापा, मेरे पापा बीमार हैं और मेरी एक छोटी बहन है, मेरी छोटी बहन स्कूल जाती है, मैं अपनी छोटी बहन को पढ़ाता भी है, और मेरी ख्वाहिश है कि मेरी छोटी बहन पढ़ के डॉक्टर बन जाए। किताबें बेच के डॉक्टर बनाओगे? जी अंकल इंशाल्लाह। बेटा तो एक काम कर मुझको ये सारी किताबें दे दे। अंकल ये तो 4 है। हाँ दे दे सारी दे दे। अंकल ये तो 500 है, मेरे पास खुले नहीं है। कोई नहीं बेटा रख ले तो। अंकल आपका बहुत शुक्रिया अंकल आपका बहुत शुक्रिया। बाबा इन्होंने बिना स्कूल जाए कैसे पढ़ लिया? वो लड़का बहुत बहादुर था, बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए उसने बिना स्कूल जाए पढ़ लिया। उसके पास तो टीचर भी नहीं था, फिर भी देखो बिना स्कूल के उसने पढ़ लिया। आपके पास तो टीचर भी है, तो अब मेरा बेटा खूब दिल लगा के पढ़ना, पढ़ोगे ना मेरा बेटा? पापा मैं भी बहुत दिल लगा के, मैं भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ। हाँ मेरा बेटा।